बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक का नाम काबले रश ख्वातीन, सफ़ा नंबर 29, टॉपिक नंबर 9, बूढ़ी औरत जन्नत में ना जाएगी। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह से रवायत है कि एक बूढ़ी खातून कुरान पढ़ा करती थी। एक मरतबा इनके सामने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ी ना जाएगी। वो घबरा कर अर्ज़ गुजार हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर इन बूढ़ियों का क्या बनेगा? आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम कुरान में नहीं पढ़ती? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तर्जमा, यानी बेशक हमने इन औरतों को अच्छी उठान उठाया तो इन्हें बनाया कमवारियां। बूढ़ी और जन्नत में तो जाएंगी, लेकिन वो जवान बना दी जाएंगी। हासले मताला ये है, और हमारा सलाफ कराम सलानहा का कीदा था कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक तर्जमान से निकलने वाले हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है। तर्जमा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।